दबंग विधायकों में से गिने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। वो इस सीट से 1993 से लगातार जीत रहे हैं। वो कई बार मंत्री रह चुके हैं। वो दबंगई को लेकर अक्सर विवादों में भी रहते हैं। इसके चलते उनको एक बार मंत्री पद भी गंवाना पड़ा था। हालांकि वो हर बार राजनीतिक साजिश बताकर सफाई देते रहे हैं। कहते हैं कुंडा में उनको हराना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल है। प्रतापगढ़ जिले में हिंसा की राजनीति की शुरुआत का श्रेय राजा भैया को ही जाता है। स्वास्थ्य मंत्री शिवाकांत ओझा एक बार फिर प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट से SP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार वो 1991 में पट्टी क्षेत्र से BJP के टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद 1996 में उन्हें रानीगंज से टिकट दिया गया और वो जीते। साथ ही कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने। 2002 में भी चुनाव जीते, लेकिन 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े और हारे। इसके बाद 2012 में उन्होंने SP का दामन थाम लिया। 2012 में वो चुनाव जीते और कैबिनेट मंत्री बने। मनोज कुमार पांडे दूसरी बार रायबरेली की ऊंचाहार सीट से SP के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। गठबंधन के बाद कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही थी, लेकिन SP ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। 2012 में यहां से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने मनोज कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया था, पर बाद में बर्खास्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुलायम और अखिलेश उनके काम काज से संतुष्ट नहीं थे। किस्मत ने मनोज कुमार का साथ दिया और वो दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। इसके अलावा टिकट पाने में भी कामयाब रहे। कांग्रेस की भी मुसीबत BJP ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से सिद्धार्थनाथ सिंह को टिकट दिया है। वो BJP के राष्ट्रीय सचिव हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक और परिचय है, वो पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं। वो आंध्र प्रदेश BJP के प्रभारी जबकि पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी हैं। उनके पास संगठन का अनुभव है। उनको SP की ऋचा सिंह और BSP की पूजा पाल से चुनौती मिली है। आराधना मिश्रा लगातार दूसरी बार प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। वो कद्दावर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। रामपुर खास से 9 बार विधायक रहे तिवारी जब 2014 में राज्यसभा गए तो राजनीतिक विरासत बेटी आराधना को सौंप दिया। वो उपचुनाव लड़ी और 67,000 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंची। इलाके में चर्चा उनकी जीत की नहीं बल्कि मार्जिन बढ़ाने की हो रही है। रायबरेली सदर सीट से अदिति सिंह पहली बार किस्मत आजमा रही हैं। वो इस सीट से 5 बार विधायक रहे अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अखिलेश कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। जब पार्टी छोड़ी तब भी गांधी परिवार उनके गढ़ को भेद नहीं पाया और 2 बार निर्दलीय विधायक बने। उनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रियंका को उनके दरवाजे पर जाना पड़ा। फिर अखिलेश भी विरासत बेटी अदिति को सौंपने के लिए तैयार हो गए। अखिलेश की मौजूदगी का इस्तेमाल कांग्रेस पूरे रायबरेली में बखूबी कर रही है। इलाहाबाद छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी ऋचा सिंह इलाहाबाद पश्चिमी से SP के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। छात्र संघ चुनाव के दौरान उनको समाजवादी छात्र सभा का समर्थन मिला था और जीतने के बाद उनकी SP से निकटता बढ़ी थी। अध्यक्ष पद से हटने के बाद उन्होंने SP का दामन थाम लिया। छात्र संघ की अध्यक्ष रहते हुए ऋचा के साथ विवाद भी जुड़े। सांसद आदित्यनाथ के कैंपस में आने का विरोध करने पर उनकी ABVP से ठन गई थी। साथ ही VC ने उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए दाखिला लेने का आरोप लगाया था। हालांकि ऋचा ने इसे साजिश बताया था। पूजा पाल BSP के टिकट पर इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर लगातार तीसरी बार किस्मत आजमा रही हैं। उन्होंने साल 2007 और 2012 में भी जीत हासिल की थी। 2004 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में पूजा के पति राजू पाल ने BSP के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के कुछ दिन पहले ही पूजा की शादी हुई थी। इस मामले में SP के बाहुबली नेता अतीक अहमद और उनके साथियों पर केस हुआ था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। पूजा पाल आज भी अतीक अहमद से लोहा ले रही हैं। उज्जवल रमन सिंह SP के टिकट पर एक बार फिर इलाहाबाद की करछना सीट से किस्मत आजमा रहे हैं।
वो एसपी के राज्यसभा सांसद रेवती रमन सिंह के बेटे हैं। रेवती मुलायम के करीबी हैं और पार्टी के कद्दावर नेता हैं। रेवती रमन 2004 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीता तो उन्होंने करछना सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसी साल इस सीट पर हुए उपचुनाव में एसपी ने उनके बेटे उज्जवल को टिकट दिया और वो जीते भी। बाद में उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया, लेकिन बाद में वो चुनाव नहीं जीत पाए। कांग्रेस की भी मुसीबत, बीजेपी ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से सिद्धार्थ नाथ सिंह को टिकट दिया है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक और परिचय है, वो पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं। वो आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रभारी जबकि पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी हैं। उनके पास संगठन का अनुभव है। उनको एसपी की ऋचा सिंह और बीएसपी की पूजा पाल से चुनौती मिली है। We'll be right back.